as Krishna was chanting a mantra to sun god. Sun god is Mitra. So Mitra means sun god. Mitra also means like friend, boyfriend. Therefore, Krishna was chanting the mantras. This had some other meanings. Therefore, the puja was performed in a most astonishing fashion. Then Chitila was very impressed. She went to give some donation to Krishna. Krishna said, I'm not a greedy person. I'm not that type of Brahmin. Radha-Mangal said, I'm that type of Brahmin. So he took all those letters and was very happy. यदि दूरम गता कृष्ण पंसोभेक्षणाय तम अहम पूर्वम महम पूर्वम इति संस्पृश्य रेमिये। कभी कभी कृष्ण यहाँ पर सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, जो गोवर्धन की पुलिंदी कन्याओं की बात कही गई, उनका जीवन ही सार्थक है बतलाया गया। जो कृष्ण के चरणों से लगे हुए कुमकुम को अपने मुखमंडल और अंगों में लगाकर अपने तीव्र काम को प्रशमन करते थे, दूर करते थे, उनसे भी अधिक ये सखा गोप कुमार हैं। उनका महत्व वर्णन करते हुए कह रहे हैं, कृष्ण वन भोजन करने के लिए और वन में विहार करने के लिए जब असंख्य गायों और बछड़ों को लेकर अपने घर से निकल करके सिंह और बेणु बजा करके सखाओं को एकत्रित कर और ये गोपालक भी अपनी अपनी असंख्य बछड़ों को लेकर अपने अपने घर से निकल आते और सब बछड़ों के सहित सैकड़ों लाखों करोड़ों बछड़ों का झुंड बनाकर बछड़ों को चराते हुए एक पन से दूसरे पन में जाते थे। वहां पर फूलों से नए नए कोमल पत्तों से वहां के फूलों से कृष्ण का श्रृंगार करके अद्भुत बनाते और अपना भी श्रृंगार करते। कभी खेल खेल में एक दूसरे की बेणू बंसी चुरा लेते और वो ढूंढता हुआ इधर उधर खोजता, जब उसको देख लेता तो वो दूसरे दूर को फेंक देते, वो अब चुरा लेता। इस प्रकार से परस्पर कृष्ण के साथ में खेल कर रहे हैं। कभी प्रीति के लिए कोई बेड़ू बाद करता है, कोई बंदरों की पूछ पकड़ करके और उनके साथ एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाता है, कोई सखा मेढक जैसा बन करके उसके साथ में फुकता, कोई किसी तरह से तरह तरह की विचित्र लीलाओं को वो करने लगे। इस प्रकार से कृष्ण और कभी भवन प्रजा से गुंजार करके, कभी बगले के साथ में बैठ करके वैसे ही चेष्टाएं करते, इस प्रकार से खेल खेल में मुक्त हो जाते। कृष्ण जब वृंदावन की अद्भुत शोभा को देखने के लिए कहीं थोड़ी सी दूर चले जाते तो सखा रह नहीं पाते, ढूंढने लगते और यदि कृष्ण को देख लिया, मैं छूंगा पहले, इस प्रकार से सारे बच्चे दौड़ पड़ते और कृष्ण को स्पर्श करके अत्यंत आह्लादित होते। इस प्रकार से बच्चों का सौभाग्य कैसा है, ब्रह्म सुखानुभूते, ये जो योगी लोग ब्रह्मज्ञानी लोग जिस ब्रह्म सुख को प्राप्त करते हैं उसे करुणा
नर बालक बने हुए साधारण जिसको बालक समझते हैं और वो कृष्ण इन गोपों के साथ में खेल कर रहे हैं। ऐसे कृष्ण को ये दौड़ करके पकड़ते हैं, जिसको जो भी अपने मन से भी नहीं पकड़ पाते उनको ये सखाए पकड़ करके और आनंद में भर जाते हैं, कृष्ण को भी हंसाते हैं अपने भी हंसते हैं। इस प्रकार से इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूतिः दर्शन गतानं परं दैवतेन वयासितानं नरतारकेण सार्धं प्रीत्युः। Yesterday we heard Sukadev Goswami describing the good fortune of the Aboriginal girls, the Kulintis. Oh, if anyone is successful, their lives are successful. Because seeing the kumkum coming from the bodies of the gopis, smeared on the footprints of Krishna, now resting upon the grass, they take that kumkum and wipe it upon their face and bodies. Thus their calm or their lust is completely dispelled and they become peaceful. But even more glorious than the Pulindis are the Sakas, the friends of Sri Krishna. Sri Sukadeva Goswami describes when Krishna goes to the forest for lunch, that time countless thousands upon thousands of boys and calves join him. Coming each from their own home with their own group of calves, they merge together and go to the forest. Some play flutes and some play buffalo horns. The boys also have millions upon millions of calves, and they move from forest to forest. The cowherd boys decorate Sri Krishna with flowers, soft leaves, and other forest paraphernalia, and they also decorate themselves. They play in various ways. Sometimes they steal the flute of one boy. As he goes to search, they pass to another one. Sometimes the boys grab the tails of the monkey, and as the monkey jumps from branch to branch, they swing with the monkey. Some boys imitate the sound and movements of frogs. Some hum like bees. Some imitate the standing motion, the standing position of storks. In this way, they become completely absorbed in happiness. Sometimes when Krishna moves ahead to see the beauty of Vrindavan, the boys run, aham purvam, aham purvam. I will touch him first. And when they run and touch Krishna, they become very happy. Therefore, Sri Sukadeva Goswami says, Itam satam brahma sukhanda bhutya dasya katanam naradeva tena maya sukhanam naradeva nakena satyam kirita punya pujaha. Therefore, these boys are even more fortunate than the yogis. The yogis cannot even catch Krishna by their minds. But these boys, considering Sri Krishna to be a Narabalak, a normal human-like child, they run and touch him. But the yogis cannot touch him even in their meditation. Ittam satan brahma sukhanu. Gopal Bhav ki param saubhagya ki prasansa karte hue Sukadeva Goswami karte hain. Oh, ittam satan brahma sukhanu. Is prakar वो बालक बछड़ों को चराने और विभिन्न प्रकार की बाल लीलाएं करते करते कृष्ण के साथ में विहार करने लगे। वह लीला विहार कैसा था? साक्षात ब्रह्म सुख का अनुभव कराने वाला था। साधु व्यक्ति जिसे साक्षात ब्रह्म सुखानुभव के रूप में अनुभव करते हैं उनके साथ विहार ये सखा लोग करते थे। कैसा उनका सौभाग्य है। ओ, ये कृष्ण कैसे हैं? दास्य भाव साधु माने दास्य भाव वाले भक्तों के ये परम देवता है। अथवा साधु होने के कारण मुक्त व्यक्तियों के लिए सुखानुभूति के स्वरूप और माया के द्वारा मोहित व्यक्तियों के लिए साधारण नर बालक कैसे प्रतीति ये कृष्ण हो रहे हैं, किंतु मुक्त महापुरुषों के लिए ब्रह्म सुख के जैसे ये प्रतीत होते हैं।
ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण है। साधु कहने से ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति जिसको ब्रह्मस्व का अनुभव करते हैं, ऐसे सब प्रकाश परम सुख तथा दस भाव से युक्त भक्तों की ओर ये परम देवता के रूप में कृष्ण है। ऐसे प्रभु इन सखाओं के साथ में ये क्रीड़ा कर रहे हैं तरह तरह। आप लोग भी परम सौभाग्यवान है जो कृष्ण की इन लीला स्थलियों में भ्रमण कर रहे हैं। जहां जहां पर गए ये कृष्ण की बहुत सुंदर मधुर लीलाओं की भूमि से पैरों से ये अंकित भूमि है। बरसाना उसमें मोरकोटी वो सकरी गली श्री जी का कुंज पेरी पोखर ऊंचा गांव सूर्य कुंड ये जाना कम सौभाग्य की बात नहीं है। तो साधारण व्यक्तियों के लिए ये कृष्ण बालक जैसे मालूम पड़े हैं, किंतु कौन पर ब्रह्म साक्षात कृष्ण ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण ये है, साधारण नहीं। इस तरह से नरतारक माने किशोर बाचक विचित्र वेशभूषा से युक्त ये मनोहर से कृष्ण है। इन गोपियों के लिए ऐश्वर्य आदि से संबंध है केवल लौकिक प्रीति की भांति इष्ट पूर्ति अर्थात तो हमारे प्यारे प्रियतम कृष्ण है ऐसी गोपियों की भावना है। गोपियों को अत्यंत अधिक आनंद देने वाले हैं उनकी साथ में ये बच्चे कितने सौभाग्यवान हैं जो कृष्ण के साथ में तरह तरह की क्रीड़ाएं कर रहे हैं, कृष्ण को आनंदित कर रहे हैं और अपने भी आनंदित कर रहे हैं। आज यहीं तक रहे, आप सभी लोग विश्राम करें। कल गौरवशोता बाबाजी महाराज जी का आविर्भाव ना तिरुभाव तिरुभाव महोत्सव है, कल एकादशी भी है। सब लोग एकादशी का व्रत करेंगे, अन्न इत्यादि का व्यवहार नहीं करेंगे और हम लोग गौरवशोता महाराज जी का वैशिष्ट जीवन चरित्र वर्णन करेंगे और हमारे गुरु महाराज जी से उनका क्या संपर्क था ये सब भी उसमें आएगा। आप लोग सवेरे की क्लास में ये सब को प्रमाण दे स्वामी इज डिस्क्राइबिंग द गुड फॉर्च्यून ऑफ द कावर्ड बॉयज ऑफ ब्रजमंडल इतम सतम ब्रह्म सुखान भूतिया। They are even more fortunate than the yogis who can only realize Krishna in the form of Brahmajyoti Swarup. The cowboys are even more fortunate than those in Dasyaras, the sadhus, who Dasyakatanam Paradevatina, who realize Krishna in the form of the Supreme Personality of Godhead. The coward boys are even more fortunate than the liberated souls who realize Brahmasukh in personal liberation. But that same Krishna is realized by the bound souls, they see him as an ordinary person. That same Sri Krishna, the Supreme Lord, endowed with unlimited sweetness and opulence, we are also so much fortunate that we went to all these pastime places where Sri Krishna marked the ground of Brajamandal with his bare feet. It is not a matter of small good fortune that today we went to Pilipakur, Sriji Mandir, Sakri Kaur, Suryakund. It is not a matter of small good fortune. Therefore, these cowboys are greatly fortunate. They think that same Supreme Lord, Sri Krishna, to be Narabala, like an ordinary boy. Thus, that Krishna who is endowed with unlimited opulence and unlimited sweetness, they play with him freely. And the gopis are even more fortunate. They never have the feeling of Bhagavad Buddhi, Iswar Buddhi, the feeling that Krishna is the Supreme Lord. Always they feel a feeling of Lokit Sambanduva, like a normal common day relationship. The
gopis performing pastimes with Sri Krishna become ecstatic. Thus performing leelas with him, they make him happy, and they also become happy themselves. Tomorrow is the disappearance day of Sri Gaura Kishoradas Babaji Maharaj. So tomorrow we will discuss his wonderful character, his relationship with our Padma Gurudev. Also, everyone should take note, tomorrow is Ekadasi, therefore should not eat anything like rice, grains, dal, khichdi, things like that. Hare Krishna, kal Ekadasi, kal sakal nata samay hoyna ebong dikhar ayojon kora hoyeche. এই কার্তিক মাসের মধ্যে কালকে শেষ হয় না বা দীক্ষা, এরপরে কার্তিক মাসে কোনো হয় না বা দীক্ষা হবে না, পরশু দিনে হবান হবে। কাল সুবে 9 বাজে হয় না এবং দীক্ষা কি আয়োজন কিয়া গিয়া হ্যাঁ, তো যে হয় না দীক্ষা কে লিয়ে ইচ্ছা রাখতে হ্যাঁ কাল 9 বাজে তক পুজিকে ভজন কুটি মে আ যায়, আর পরশু হবন হোগা, ইসকে বাদ আর দীক্ষা হয় না কা কোই অনুষ্ঠান নেই হ্যাঁ। और जो दीक्षा लेने वाले पुरुष भक्तों के लिए माथा मुंडन करके आएंगे, और जो कोई गुटका या खोजनी सुपारी चाय ये सब नहीं चलेगा। कुछ भक्त मुझे बताया था वृंदावन इधर भी आए हैं, उनको मैं गुटका खाते हुए देखा, मैं सुपारी खाता हूँ, ये सब चलेगा नहीं, पहले छोड़े उसके बाद होगा। प्यारे से तो बात ही किया है। Tomorrow is initiation, so 9 a.m. it will take place to the Gurudev's Bhajan Kuti. Whoever wants initiation, tomorrow is the last and final initiation day in Kartik. After tomorrow, no more initiation in this Kartik. So for male devotee, must be shaved and clean head and clean clothes. And for ladies, they can shave their head, no need to shave their head here. So 9 a.m. and day after tomorrow, will be fair sacrifice, combined effort of Sripad Tirtha Maharaj and Sripad Gaur Maharaj. So please don't delay 9 a.m. If you come around 10 o'clock, not possible at all. So we will not give you incident twice, only once. Hare Krishna, thank you for your cooperation. Now Sri Bhajanak will give new announcement, very fitting. Hare Krishna, the book, Rajamala Parikram book has arrived. The boys, I know some of you are leaving tonight. If Tilak Raj Prabhu is not too tired, Tilak Raj Prabhu, you are here. We will put it out in front of the mandir, yeah, on a table for sale, just after class. Yeah. So who are going tonight, they can take it. Otherwise, tomorrow morning it will also be for sale. And today in bus, several buses, the bodies have left clothes and other things. We collected some things. They will be on the table here. Those of you who have forgotten things in the bus, you can pick it up here. Yes, after class also. Now devotees are going back their country. They want to say goodbye. So whoever wants to say goodbye, they can come in class and do pranam and tell who they are leaving tomorrow, whatever tomorrow like this. Because all everyday Gurudev is very busy, all you are busy. So we'll leave tomorrow, they can come and do pranam, and we'll leave the other day, like this in the morning and evening, both time in class. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.